हमारा देश आजाद रहेगा या गुलाम हो जाएगा, ये देश का चुनाव है। इस चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा देश भविष्य में लोकतंत्र बना रहेगा या तानाशाही हो जाएगा, कि ये देश का चुनाव है। एक तो होता है अपने स्टेट का चुनाव, प्रदेश का चुनाव, ये देश का चुनाव है। इस चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा देश भविष्य में लोकतंत्र बना रहेगा या तानाशाही हो जाएगा। हमारा देश आजाद रहेगा या गुलाम हो जाएगा। हमारे देश में संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया वो लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारे देश में सारे धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म में आस्था रखने की छूट होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें इस चुनाव के ऊपर निर्भर करती हैं। पूरे देश के अंदर हमको कहीं भी आने जाने की आजादी है। आपने पहले भी देखा होगा, आप किसी भी आंदोलन में कभी दिल्ली जाने के लिए आज से पहले किसी ने आपको रोका क्या? आज से पहले किसी ने आपको ये बताया किसी सरकार ने कि आप दिल्ली नहीं आ सकते? दिल्ली तो हमारी राजधानी है, दिल्ली क्यों नहीं जा सकते हम? हमारे चुने हुए लोग ही तो वहां पे जाके बैठते हैं। सांसदों का घर है दिल्ली में, प्रधानमंत्री का घर है दिल्ली में। अगर हम उनके घर नहीं जा सकते, वो वोट मांगने के लिए कैसे आ सकते हैं हमारे घर? फिर हिसाब तो बराबर का होना चाहिए। इसलिए पहली ऐसी सरकार आई है जिसने आपको ये कहा कि आप देश की राजधानी में नहीं जा सकते, दिल्ली में नहीं जा सकते। इसका मतलब देश के ऊपर, देश की आजादी के ऊपर संकट है किसी तरह का। इसका मतलब आजादी के 70-75 साल बाद कोई ऐसी सरकार आई जिसने हमारी राजधानी हमसे छीनने की कोशिश की, इसका मतलब लोकतंत्र के ऊपर खतरा है किसी तरह का। आज टीवी में आप देखो तो एक ही तरह की बात दिखाएंगे, चुनाव आयोग की तरफ देखो तो एक ही पार्टी की तरफ झुका रहता है, पुलिस को देख लीजिए, किसी एजेंसी को देख लीजिए, सारे एक पार्टी की तरफ झुके रहते हैं। इसका मतलब अगर ये सारी एजेंसी, पुलिस, फौज, सब कुछ एक ही पार्टी द्वारा कंट्रोल होने लगा तो इसका मतलब देश में तानाशाही आ गई। फिर आप अपने अधिकार की आवाज उठाने के लिए कभी नहीं जा पाओगे उनके दरवाजे पे। आप कोई मांग लेके जाओगे तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आप कोई मांग लेकर के जाओगे, धरना प्रदर्शन करोगे, आपको झुका दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा कि तानाशाह का जो आदेश है उसी का पालन होगा, आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेंगे। ये पहली बार एहसास हमको हो रहा है। जब इन्होंने ये कहा कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता, पंजाब का किसान दिल्ली नहीं जा सकता, हरियाणा का किसान दिल्ली नहीं जा सकता, जब इन्होंने पहली बार ये कहा तो इन्होंने संविधान का अपमान किया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो देश के लिए संविधान बनाया उसमें ये लिखा कि देश का कोई भी नागरिक कहीं से कहीं तक भी आ जा सकता है, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। इन्होंने रोक टोक की, इसका मतलब ये संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसी तरह से हमें अधिकार था कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मांगों को लेके, इन्होंने वो अधिकार भी हमसे छीनने की कोशिश की। अब जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी लड़ाई भी है कि ये संविधान जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत से, इतनी कोशिशों से बनाया, देश उसके मुताबिक आज तक चलता रहा, आगे भी वो संविधान इस देश में लागू रहेगा या नहीं रहेगा, ये लड़ाई इस बात की भी है, ये चुनाव इस बात का भी है।